हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज सारे के सारे क्वेश्चन फॉरेन पोस्ट ऑफिस के ऊपर लिए हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, जीडीएस के जितनी भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जीडीएस टू पीएएसए एंड पोस्टमन एमटीएस, सभी के क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अप्पू की स्थापना कब हुई? अप्पू की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1962 में। अप्पू की स्थापना 1962 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्पू में कितने सदस्य देश है? अप्पू में कितने सदस्य देश है? तो इसका सही आंसर है 32। अप्पू में 32 सदस्य देश है। अप्पू का मुख्यालय कहाँ है? अप्पू का मुख्यालय कहाँ है? अप्पू का मुख्यालय है बैंकॉक में। अप्पू का मुख्यालय बैंकॉक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीयू की स्थापना कब हुई? यूपीयू की स्थापना कब हुई? यूपीयू की स्थापना 1874 में हुई है। यूपीयू की स्थापना 1874 में हुई है। यूपीयू में कितने सदस्य देश है? यूपीयू में कितने सदस्य देश है? यूपीयू में 192 सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीयू का मुख्यालय कहाँ है? यूपीयू का मुख्यालय कहाँ है? यूपीयू का मुख्यालय है बर्न में। अब इससे पहले हमने अप्पू का मुख्यालय देखा तो उसमें उसका मुख्यालय था बैंकॉक में। यूपीयू का संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीयू का संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीयू का संक्षिप्त रूप है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। एपीपीयू अप्पू का संक्षिप्त रूप क्या है? तो अप्पू का संक्षिप्त रूप है आसियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का मैक्सिमम वजन कितना है? विदेशी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का मैक्सिमम वजन कितना है? तो उसका सही आंसर है 7 kg। अगला क्वेश्चन, विदेशों के लिए छोटे पैकेट का अधिकतम वजन कितना है? विदेशों के लिए जो छोटे पैकेट रहते हैं उसका अधिकतम वजन कितना है? तो उसका सही आंसर है 2 kg। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई भी विदेशी पार्सल प्रेषित पत्रों के लिए प्रेषक को लौटा दिया जाता है तो प्रेषक की देयता क्या है? यदि कोई भी विदेशी पार्सल प्रेषित पत्रों के लिए प्रेषक को लौटा दिया जाता है तो प्रेषक की देयता क्या है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेषक से प्राप्त होने वाले शुल्क से प्रेषक वसूल करने योग्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिलीवरी की सलाह के साथ विदेशी पंजीकृत पत्र के संबंध में जांच शुल्क क्या है? डिलीवरी की सलाह के साथ विदेशी पंजीकृत पत्र के संबंध में जांच शुल्क क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोई भी आवश्यक शुल्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एरोग्राम का अधिकतम वजन क्या है? एक एरोग्राम का अधिकतम वजन कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 ग्राम। एक एरोग्राम का अधिकतम वजन कितना है? 3 ग्राम। क्वेश्चन है, विदेशी पार्सल श्रेणी में सीओडी पार्सल क्या है? विदेशी पार्सल श्रेणी में सीओडी पार्सल क्या है? तो इसका सही आंसर है कैश ऑन डिलीवरी पार्सल, कैश ऑन डिलीवरी पार्सल। क्वेश्चन है, जहाँ तक विदेशी पोस्ट का सवाल है, थोक बैग का न्यूनतम वजन और अधिकतम वजन कितना होना चाहिए? तो उसका सही आंसर है, प्रत्येक बैग का वजन 5 kg से कम और 30 kg से अधिक नहीं होना चाहिए। कम से कम 5 kg और ज़्यादा से ज़्यादा 30 kg होना चाहिए। वे कौन से वस्तुएं हैं जो पंजीकृत डाक द्वारा विदेश में भेजी जा सकती है? वे कौन सी वस्तुएं हैं जो पंजीकृत डाक द्वारा विदेशों में भेजी जा सकती है? तो उसका आंसर है सभी एयरमेल पत्र।
भारत में विदेशी पार्सल बनाने के लिए प्रेषक द्वारा दी जाने वाली कस्टम घोषणा की कितनी प्रतियां दी गई है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 प्रतियों में। भारत में विदेशी पार्सल बनाने के लिए प्रेषक द्वारा दी जाने वाली कस्टम घोषणा की कितनी प्रतियां दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 प्रतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन देशों के नाम बताइए जिनके लिए भारत से मनी ऑर्डर सेवाएं उपलब्ध है। उन देशों के नाम बताइए जिनके लिए भारत से मनी ऑर्डर सेवाएं उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान में हम मनी ऑर्डर कर सकते हैं, इन देशों में मनी ऑर्डर सेवाएं उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विदेशी पंजीकृत पत्र के लिए विलंब शुल्क क्या है? तो उसके ऑप्शन ऐसे है, ऑप्शन ए है 3 रुपये प्रति लेग, ऑप्शन बी है 4 रुपये प्रति लेग और ऑप्शन सी है 5 रुपये प्रति लेग। तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। विदेशी पंजीकृत पत्र के लिए विलंब शुल्क क्या है? तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। विदेशों में थोक बैग के लिए पंजीकरण शुल्क कितना है? विदेशों में थोक बैग के लिए पंजीकरण शुल्क कितना है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 200 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशों के लिए छोटे पैकेट का अधिकतम वजन कितना है? विदेशों के लिए छोटे पैकेट का अधिकतम वजन कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 kg। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से प्रीपेड विदेशी पत्र यदि पत्र बॉक्स में पाया जाता है तो उसका क्या करेंगे? पूरी तरह से प्रीपेड विदेशी पत्र पत्र बॉक्स में पाया जाता है तो उसका क्या करेंगे? उसका सही आंसर है गंतव्य देश के लिए पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेशी पार्सल पहुंचाने के लिए कौन से कार्यालय अधिकृत है? विदेशी पार्सल पहुंचाने के लिए कौन से कार्यालय अधिकृत है? तो उसका आंसर है सभी वितरण डाकघर। अगला क्वेश्चन है, विदेशी पार्सल भेजने वाले द्वारा भारत में बुकिंग के समय क्या अनिवार्य है? विदेशी पार्सल भेजने वाले द्वारा भारत में बुकिंग के समय क्या अनिवार्य है? उसके ऑप्शन ऐसे, ऑप्शन ए है सीमा शुल्क घोषणा पत्र, ऑप्शन बी है पीपी फॉर्म में घोषणा, ऑप्शन सी है कुछ नहीं चाहिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। ए है सीमा शुल्क घोषणा फॉर्म और बी है पीपी फॉर्म में घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी विदेशी पत्र का अधिकतम वजन क्या है? बाहरी विदेशी पत्र का अधिकतम वजन क्या है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 kg। बाहरी विदेशी पत्र का वजन 2 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी पत्रों के प्रसारण के कौन से तरीके है जिन पर डाक शुल्क लिया जाता है? विदेशी पत्रों के प्रसारण के कौन से तरीके है जिन पर डाक शुल्क लिया जाता है? तो इसका सही आंसर है बाय सरफेस रूट, बाय एयरमेल, बाय सरफेस एयरलिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय का एक कार्यालय जिसमें विदेशी मेल पर कस्टम ड्यूटी के मूल्यांकन का कार्य भी किया जाता है? तो उसका सही आंसर है विदेशी डाकघर। अगला क्वेश्चन, विदेशी मेल का नियंत्रक कहाँ स्थित है? विदेशी मेल का नियंत्रक कहाँ स्थित है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। विदेशी मेल का नियंत्रक कहाँ स्थित है? उसका ऑप्शन है मुंबई। विदेशी पार्सल पहुँचाने के लिए कौन से कार्यालय अधिकृत है? विदेशी पार्सल पहुँचाने के लिए कौन से कार्यालय अधिकृत है? इसके ऑप्शन ऐसे है, ऑप्शन ए है सभी वितरण डाकघर कार्यालय, ऑप्शन बी है एक्सचेंज का कार्यालय, ऑप्शन सी है विदेशी डाकघर और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो उसका सही आंसर है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी, सभी वितरण डाकघर एक्सचेंज का कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी देशों को पत्र पोस्ट आइटम के लिए पंजीकरण शुल्क क्या है? विदेशी देशों को पत्र पोस्ट आइटम के लिए पंजीकरण शुल्क क्या है? तो उसका सही आंसर है 70 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यवान बीमायुक्त
एक विदेशी पत्र का पता अनिवार्य है। जब डिलीवरी के लिए प्रस्तुत किया गया था तो देय डाक का भुगतान करने के लिए कहा गया था। पतेदार ने देय का भुगतान करने और वितरण करने से इनकार कर दिया। ऐसे पत्र का निपटान कैसे किया जाता है? इसका सही आंसर है पत्र मूल देश में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी देश में डिलीवरी के कार्यालय में छोड़े गए पार्सल के रूप में इलाज किए जाने के मामले में विदेशी पार्सल का निपटान क्या है? उसके ऑप्शन ऐसे, ये है यह नीलामी द्वारा बेची जाएगी, ऑप्शन बी है इसे नष्ट कर दिया जाएगा, ऑप्शन सी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त में से कोई भी, मतलब ऊपर के जो दो दिए हैं उनमें से कोई भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारत से सभी देशों में बीमित पार्सल भेजा जा सकता है? क्या भारत से सभी देशों में बीमित पार्सल भेजा जा सकता है? उसका सही आंसर है कुछ विदेशी देशों को संबोधित विदेशी पार्सल का उनके संपूर्ण प्रसारण के लिए बीमा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी देश के लिए बीमित पत्र के लिए अधिकतम वजन क्या है? जो बीमित पत्र रहते हैं उनके लिए अधिकतम वजन कितना है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 kg, विदेशी पत्र के लिए बीमित पत्र का वजन 2 kg है। डिलीवरी के कार्यालय में कब तक एक आवक विदेशी मूल्य देय पत्र संबोधित किया जाता है? डिलीवरी के कार्यालय में कब तक एक आवक विदेशी मूल्य देय पत्र संबोधित किया जाता है? तो उसका सही आंसर है 7 दिनों की अवधि के लिए एक आवक विदेशी मूल्य देय पत्र संबोधित किया जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निजी तौर पर निर्मित विदेशी पोस्ट कार्ड को भारत से भेजे जाने की डायमेंशन क्या है? निजी तौर पर निर्मित विदेशी पोस्ट कार्ड को भारत से भेजे जाने की डायमेंशन क्या है? तो उसका सही आंसर है मैक्सिमम 105x148 मिनिमम एंड मैक्सिमम 90x140 मिनिमम।